कानपुर के मोस्ट वांटेड बदमाश विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब उसकी क्राइम कुंडली का पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस लगातार उसके सगे संबंधियों और साथियों का इतिहास खंगालने में जुटी हुई है, तो वहीं इस केस में अब जय वाजपेयी का नाम सामने आ रहा है, जिसे पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। जय वाजपेयी विकास दुबे की आपराधिक दुनिया का अहम किरदार माना जा रहा है। चाय की दुकान चलाने और 4000 की सैलरी पर प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला जय वाजपेयी कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे के पास रहता है। साधारण जिंदगी जीने वाला जय वाजपेयी जैसे ही विकास दुबे के संपर्क में आया, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया और कानपुर लखनऊ रोड पर एक पेट्रोल पंप भी खुलवा लिया। इतना ही नहीं, वो विकास दुबे का सबसे खास आदमी भी बन गया था। बताया जा रहा है कि जय वाजपेयी समेत विकास दुबे के 4 मैनेजर उसकी नंबर 2 की कमाई को वाइट करने का काम करते थे। मामले की जांच कर रही एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि बिकरू गांव में हुई वारदात से पहले इन मैनेजर्स के पास करीब 18 करोड़ रुपए थे, जो अब इनकी जेब में चले गए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इन 18 करोड़ रुपए में से आधी रकम को ब्याज में बांटा गया था। इसका ब्याज करीब 55 लाख रुपए आता था, जिसकी आधी रकम विकास दुबे को भेजी जाती थी और बाकी की रकम से चारों मैनेजर्स अय्याशी करते थे, जबकि बाकी बचे 9 करोड़ रुपए फैक्ट्री और उद्यमियों को दिए गए थे। यहां से हर महीने जो भी रकम आती थी उसे विकास दुबे तक पहुंचाने का काम ये खजांची किया करते थे। साल 2013 में प्रिंटिंग प्रेस में काम कर गुजारा करने वाले जय वाजपेयी ने 2016 में 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक अकाउंट्स में 3.5 लाख रुपए जमा कराए। यही नहीं, उधर जय वाजपेयी की पत्नी के बैंक अकाउंट से भी लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। जय वाजपेयी ने नोटबंदी के दौरान विकास दुबे के 14 लाख रुपए वाइट कराए थे। यूपी एसटीएफ जय वाजपेयी की तरह ही विकास दुबे के हर प्यादे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अधिकारी जहां एनकाउंटर के बाद तैयार कराए जा रहे दस्तावेजों की निगरानी में जुटे हैं, तो वहीं सर्विलांस पर रखे गए तकरीबन 2500 मोबाइल नंबरों पर भी उनकी पैनी नजर है।